हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीसीए पाठशाला। तो आज के फिर से इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था सॉल्व स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एज्यूमिंग मेथड से निकाला था। लेकिन आज हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। और जैसा कि आपको पता भी है कि जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है स्टूडेंट, वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड ओनली और ओनली आपका कंटिन्यूस सीरीज में ही सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो चलो सबसे पहले अब हम निकालते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट, जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है, जहाँ पे हमें मीन को फाइंड आउट करना होता है। तो हम मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड का यूज़ होता है। अब वो कैसे होता है, अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है या आपको पता है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लास इंटरवल में से आपको मिड वैल्यू निकालनी है, ओके। जैसा कि आपका 5, 15, 25 एंड 30, ओके। इसके बाद हमें क्या करना होता है यहाँ पर, हमें यहाँ पर, अब जैसा ही पता है एज्यूमिंग मेथड में हम एज्यूम करते थे किसी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू को ही एज्यूम कर लिया, ओके। जैसा ही पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो ए मान लिया मैंने इसे, तो ए बराबर हमारे कितना ही हुआ स्टूडेंट, 5, ओके। अब मैंने यहाँ पे ए मान लिया, तो फिर से मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, यानी कि एज्यूम। तो हमारे यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 10 हो गया, ये आपका 20 एंड ये आपका 30, ओके। सॉरी यहाँ पे 30 नहीं आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, ओके, 30, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बस चेंज होगा, वो होता है आपका यू बोल लीजिए, या फिर आप इसे बोल सकते हो डीटैस, ओके। इसके इक्वल में होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन आई, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ठीक है। अब आई का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, क्लास के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 to 0 या 0 to 10, आपका 10 डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार 10 to 20 या 20 to 10, आपका कितना डिफरेंस हो गया, 10, यानी कि 10 डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 10 से लेकर 20 तक की आपकी कोई क्लास है, ठीक है, तो आप 20 में से क्या करोगे, आप 10 को माइनस कर दोगे, तो आपका कितना निकलाएगा, 10, ठीक है। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है आई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस ए में, एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारी, 0, तो 0 में, ठीक है, तो 0 में आपको 10 से डिवाइड दे देना है, तो कितना आएगा, 0। तो पहला हमारा 0 हो गया, तो इसी प्रकार ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ता है, उस स्टेप को सॉल्व करते, पहले से रफ कर दूं, ओके, शो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यू, ओके, उसमें हम कर देंगे एफ से मल्टीप्लाई, ठीक है, इस वाली वैल्यू से, ओके। अब देखिए 3 का 0 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 1 का अगर 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का 3 में करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम कर लेते हैं समेशन, समेशन 12 एंड 2 14, यानी कि ये आपका हो गया टोटल 6 एंड 1 16, ओके। इसी प्रकार आप यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, जैसा कि हमको पता है ये कितना है टोटल, 10, ओके। अब यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई, किसके लिए, मीन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो ये फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है, ओके, ए प्लस समेशन एफ डी, सॉरी एफ डी आ गया, एफ यू, ओके, अपॉन समेशन एफ और इनटू में आपका आई, ओके स्टूडेंट, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू को अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ए हमने कितना लिया था, 5 लिया था, ओके, एंड प्लस एफ यू हमारा कितना निकला, सॉरी मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया है ओनली, यू, ओके, इक्वल, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 10 इंटू में आपका 10 था, 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका 5 प्लस 16 यानी कि 21 आपकी क्या निकली, मीन, ओके। स्टूडेंट याद रखना, आप चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे आप यूज़ करो एज्यूमिंग मेथड, ठीक है, उसमें आपका मीन तो हर एक कंडीशन में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मीन कितना निकला,
21 ही निकला, ठीक है। तो ये बहुत लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो मीन हमारा 21 निकला। अब इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमारा जो स्टेप आएंगे, ठीक है, वो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, आप वो देखिए। स्टेप नंबर सेकंड, तो देखिए जैसा कि हमने वहाँ पे डे निकाला था, डे का स्क्वायर, अब हम यहाँ पे करेंगे यू का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यू में एफ का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यू स्क्वायर एंड उसके बाद हम कर देंगे एफ यू में मल्टीप्लाई, ओके, यू स्क्वायर में, सॉरी। अब देखिए आप भी, ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर यू स्क्वायर हमने किया, तो यू स्क्वायर हमारा यू ये है ना, तो ठीक है, तो यू स्क्वायर करना है तो 0, 1, 4, 9, ओके। अब हमें पता है कि सेकंड स्टेप, ओके, तो एफ यू स्क्वायर यानी कि इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 0, 0 एंड 2 × 1, 2 एंड 1 × 4, 4 एंड 4 × 9, 36। तो ये कितना हो गया आपका 36 एंड 40 एंड 42, ओके। तो एफ यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 42। ये आपका स्टेप नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट? स्टेप नंबर 3, ठीक है, एफ यू स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि हमने निकाल लिया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड स्टेप नंबर 4 में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस को फाइंड आउट करना है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आप देखिए कैसे निकालते हैं, सिंपल, इसमें भी वही सेम फार्मूला है, कोई ज़्यादा गड़बड़ाड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समेशन एफ यू स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस के एक्स का, सॉरी, मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मैं ब्लैक से ही सॉल्व कर देता हूँ इस पूरे को, 42, ओके, एंड 42 में आपको डिवाइड दे देना है कितने से स्टूडेंट, 10 से, और माइनस कर देना है, सॉरी, मीन को, तो मीन हमारा कितना निकला स्टूडेंट, 21, तो 21 यानी कि 4, 4, 1 हो गया, ठीक है। तो आपका यह आ गया, तो 4.2 माइनस की 4, 4, 1, ओके। तो इसका अब हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस करने पर कुछ माइनस में वैल्यू आएगी, वो क्या आ रही है हमारी वैल्यू, एक सेकेंड, प्रीवन, ओके, 436.8, 436.8, ओके, माइनस में वैल्यू आ रही है इसकी, ओके। अब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है स्टूडेंट, ओके, माइनस के 20, माइनस का 20.89, ओके, तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है, ओके एवरीवन। आप भी देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर का, ठीक है। अब आपको वेरियंस निकालना है, तो सिंपल है वेरियंस का, तो आप देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, ओके, इसको हटा दिया आपने, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ गया, यहाँ से जैसे अंडर रूट हटा दो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका वेरियंस। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपका ये वाली वैल्यू हट जाएगी, सॉरी, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस भी निकालना आ गया होगा स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। और ये खटपट हो रही आवाज़ें, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।